हरियाणा सरकार और कैथल जिला प्रशासन की ओर से लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत संचय जल बेहतर कल जल शक्ति अभियान के तहत हमारा संकल्प जल बचाएंगे हम, इसी उद्देश्य को लेकर गांव टीक के ग्रामीणों ने जिला परिषद कैथल के सीईओ कुलधीर सिंह के निर्देशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजवीर मुकेश कुमार और लेखा सहायक राजेश बतान ने पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुताबिक गांव टीक में एक सामूहिक रूप से सफाई अभियान, पौधारोपण अभियान और जल शक्ति अभियान आयोजित किया गया। सफाई अभियान के तहत जहां मुख्य स्वागत द्वार से लेकर वाल्मीकि चौपाल, प्रजापति चौपाल, ब्राह्मण चौपाल और सचिवालय के सामने उगी हुई कांग्रेस घास को हटाया गया, वहीं पौधारोपण अभियान के तहत प्रजापति चौपाल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए और उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया गया। ग्राम सचिवालय प्रांगण में आयोजित जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजवीर मुकेश कुमार, लेखा सहायक राजेश बतानी, वर्तमान सरपंच विक्रम सिंह, नेहरू युवा केंद्र के तहत अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए राष्ट्रीय युवा कोर कृष्ण कुमार प्रजापति, बाबूराम आर्य, करनैल आर्य, लाभ सिंह आर्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे और लोगों को पानी को बचाने के लिए प्रयासरत रहने और दूसरों लोगों को भी इसके लिए जागरूक करने के बारे में आह्वान किया गया। नेशनल यूथ वॉलंटियर कृष्ण कुमार प्रजापति ने कहा कि हमें सरकार और प्रशासन के साथ साथ खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पानी बचाने के लिए आगे आना होगा और अन्य लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूक करना होगा। यदि कहीं भी व्यर्थ बहता पानी, खुली टूंटी, भरे टैंकी से बहता हुआ पानी दिखाई दे तो उसे तुरंत बंद कर दें अथवा बंद करने के लिए अपील करें। निवर्तमान सरपंच विक्रम ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा पहले भी प्रयास किया गया कि लोगों को अधिक से अधिक जल शक्ति अभियान से जोड़ें। बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा और कई जगहों पर रिचार्ज बोर भी लगवाए गए और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगवाए गए। तालाबों की सफाई भी करवाई गई। केवल पानी को बचाना ही हमारा उद्देश्य नहीं बल्कि पानी को स्वच्छ रखना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। खबरनामा हरियाणा के लिए कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट।